फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइस आज हम बात करेंगे टिकटॉक वीएस यूट्यूब के बारे में। तो गाइस कौन बेस्ट है इसमें से और कौन अच्छा है, तो गाइस मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन बेस्ट है। और गाइस एक बात ये भी है, अभी टिकटॉक पर एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, जो कि एक आमिर सिद्दीकी नाम है जिन भाई साहब का, उन्होंने कुछ यूट्यूबर के बारे में कुछ कहा है। तो गाइस मैं बताऊंगा आपको कि क्या कहा है और क्या ना कहा है, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक। अगर बीच में छोड़ के जाओगे तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि गाइस आपने न्यूज़ देखी होगी या नहीं देखी होगी तो मैं बता देता हूँ, गाइस आमिर सिद्दीकी जिसका नाम है, वो थोड़ी सी उसकी वीडियो आपको दिखा दूंगा। पॉइंट है कंटेंट, आप लोग हमारी कम्युनिटी वाले लोग के कंटेंट को बोलते हो क्रिंज। यार हर कोई क्रिंज कंटेंट नहीं बनाता है, कुछ लोग होते हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, मैं भी मानता हूँ ये बात। और जैसे कि फिलहाल मेरे को लगा कि आपका कंटेंट बहुत क्रिंज है, क्योंकि आप हमारे ही वीडियोस लेके हमारे ही वीडियोस से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो, तो आपका कंटेंट तो क्रिंज इंटू 100 हो गया। और गाइस सेकंड पॉइंट है सीसी। सीसी तो आप लोग समझ ही गए रहेंगे मेरे भाई लोग, क्रेडिट कार्ड और कंटेंट कॉपीराइट से बच के रहना चाहिए। यार मेरे से अच्छा तो आप लोग जानते रहेंगे, आप लोग ही हमारे कंटेंट को एक्सप्लॉइट करके इतने प्यारे तरीके से यूज करते हो। यार टिकटॉकर्स आपको प्राउड होना चाहिए कि आप लोग का कंटेंट यूज करके इनको व्यूज आ रहे हैं और इन लोग पैसे मेरी स्क्रीन पर। तो गाइस उन्होंने कहा है कि टिकटॉक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और यूट्यूब एक बेकार प्लेटफॉर्म है, जिसे कि मैं बता देता हूँ कि यूट्यूब उससे भी अच्छा है। अगर टिकटॉक पर आप 15 सेकंड के लिए मुजरा कर लेते हो तो 15 सेकंड में मुजरा कर लेते हो। अगर वीडियो यूट्यूब पर अगर एक वीडियो बनानी पड़ती है तो आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन भी लग जाते हैं एक वीडियो अपलोड करने में। तो गाइस सबसे ज़्यादा मेहनत हमको यूट्यूब पर करनी पड़ती है, ना कि टिकटॉक पर। तो गाइस मैं बता देता हूँ कि टिकटॉक पर सिर्फ एक लिपिसिंग कर लेते हैं, ओरिजिनल आवाज़ में कोई वीडियो नहीं बनाता, एक दूसरे की आवाज़ पर लिपिसिंग कर लेते हैं, और यूट्यूब पर ऐसा नहीं है। तो गाइस खुद की आवाज़ मेंटेन करनी पड़ती है यूट्यूब पर, ताकि हम अपने वीडियो वायरल कर सकें। अगर टिकटॉक पर 15 सेकंड का मुजरा कर भी वायरल कर लेते हो वीडियो, तो वो वीडियो वैसे वायरल हो जाए। और एक और उन्होंने बात कही है कि उनकी इंसल्ट, जैसे रोस्ट करने वाले भैया होते हैं जो अच्छे से, वो केरी मिनाटी हो गए, धीरू मंचिक हो गए, ये भैया टिकटॉक के वीडियो निकाल के रोस्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि तुम उनकी मजाक मत बनाया करो। तो गाइस मैं बता देता हूँ कि अगर वो केरी मिनाटी और ये उनका रोस्ट नहीं करेंगे तो वो फेमस नहीं हो सकते हैं। उनको फेमस किसने कराया? यूट्यूबरों ने। अगर यूट्यूबर ही फेमस करा रहे हैं उनको, तो ही वो फेमस करा सकते हैं। तो गाइस जैसे कोई सॉन्ग ट्रेंड में आता है, माना है कि वो यूट्यूब से ट्रेंड इसमें टिकटॉक से भी ट्रेंड में आता है, लेकिन सबसे पहले वो अपलोड यूट्यूब पे होता है। जैसे कि अभी पहले सबसे पहले बुलाते मगर जाने का नहीं ये ट्रेंड में चल रहा था, तो गाइस वो सबसे पहले यूट्यूब पर डाली गई थी, यूट्यूब से कुछ ने निकाल कर फिर उसको टिकटॉक पर डाल दिया, उसके बाद वो ट्रेंड में चली। तो गाइस सबसे पहले जैसे कि आप कोई से नया सॉन्ग का ले लेते हैं, तो नया सॉन्ग सबसे पहले यूट्यूब पे ही अपलोड होता है, उसके बाद उसको डाउनलोड करके उसकी कटिंग करके ही टिकटॉक पर डाल दिया जाता है। तो गाइस मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि तुम ये टिकटॉक मत करा करो, सिर्फ टिकटॉक पर 15 सेकंड के लिए मुजरा करते हो तुम लोग और यूट्यूब को कहते हो कि यूट्यूब में कुछ नहीं है। तो गाइस एक बार यूट्यूब आप चला के देख लो, यूट्यूब पर मेहनत करके देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। और गाइस उन्होंने एक बात ये कही है कि हम लोग यूट्यूब पे आ जाए ना, और मैं जितने लोग वो यूट्यूबर्स है जो तुमको ट्रोल करते हैं रोस्ट करते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि भाई हम लोग महीने के 3 कंटेंट नहीं बनाते, हम लोग दिन के 3 या 4 या 10 कंटेंट बना के पोस्ट करते हैं। तो अगर हम यूट्यूब पे आ गए ना जिस दिन, उस दिन तुम्हारा वहां से भी तो कुछ भी, तो मैं आपको बोल देता हूँ अगर आप यूट्यूब पे भी आ जाओ ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ 15 सेकंड का ही मुजरा कर सकते हो आप लोग। जैसे टिकटॉक पर कुछ ऐसे हरकतें करते हैं, आपको बताइए टिकटॉक पर कैसे कैसे हरकतें करते हैं। तो गाइस बस मैं आपको ये बताना आया हूँ कि ऐसी अफवाहें ना फैलाए टिकटॉक और व्यूअर्स के यूट्यूबरों के बारे में। मैं बस मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि तुमसे अच्छा टिकटॉक से अच्छा तो यूट्यूबर ही है। यूट्यूब पर मेहनत भी करनी है आपको, कंटेंट भी बनाने रखना, आपको फैमिली भी अच्छी मिलती है आपको अपने यूट्यूब। और टिकटॉक पर तो आप है ना थोड़े दिन के लिए फेमस हो जाते हो, फिर उसके बाद आपको कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ मिलेगा बाबा जी का घंटा और कुछ भी नहीं मिलना है टिकटॉक पे। अगर आप यूट्यूब पे कंटिन्यू करते हो तो आपको यूट्यूब बहुत कुछ मिलेगा, आपको अवार्ड भी मिलते हैं यूट्यूब पर, टिकटॉक पर कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ टिकटॉक पे आपको पॉपुलर क्रिएटर मिल जाता है और उसके बाद में बाबा जी का घंटा मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता है। तो गाइस आज के वीडियो में बस मैं यही बात ख़त्म करता हूँ
फिर से एक नया वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तो गाइस मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा दे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करके जाना। और गाइस मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ऐसे लेटेस्ट वीडियो में डालता रहता हूँ अपने चैनल पर, तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।